हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये क्लासिफाई करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ना हमारे, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिए, आ जाएगा एक मिनट में। मतलब एक क्वेश्चन समझने के बाद ये वाला, फिर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना अपने आप कर लोगे, सोचोगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बस, 2 - √5 है ना। कभी भी याद रखिए, अगर कोई नंबर रेशनल हो, ठीक है, कभी भी कोई नंबर रेशनल हो और अगर रेशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस किया जा रहा है, रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस किया जा रहा है, ये हमारा 2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमें पता है ना 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। पी अपन क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। अंडर रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो हम देख रहे हैं रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। कभी भी याद रखिएगा, अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस किया जाएगा तो हमेशा नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। मीन्स ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या लग रहा है कि रेशनल में से इरेशनल को माइनस किया गया, और अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस किया गया मतलब नंबर कौन सा मिलेगा आपको, इरेशनल मिलेगा। सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड आपका है 3 + √23 - √23। प्लस में 23 है रूट में और माइनस में √23 है, इससे ये कैंसिल, मींस क्या हो जाएगा 3। और 3 को क्या हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 राइट किया जा सकता है ना। और जब पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सकता है, मींस ये कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पर। हम यहाँ देख रहे हैं आपका कि यहाँ लिखा है क्या, 2 √7 / 2 √7, इससे ये कैंसिल, मींस क्या हो गया 1, 1 मींस 1/1, p/q मींस आपका क्या मिला नंबर, रेशनल नंबर मिला। कौन सा नंबर मिला, रेशनल नंबर मिला। तो ये कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर है। याद रखिएगा, कभी भी अगर तुम्हारा रेशनल नंबर, मैंने पहले भी बताया था कि अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो कैसा नंबर मिलेगा आपको, इरेशनल मिलेगा। या इरेशनल नंबर में रेशनल से डिवाइड करोगे तो कैसा नंबर मिलेगा, हमेशा जान लीजिए इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पर रेशनल अपॉन इरेशनल किया जा रहा है। अंडर रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। 1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया गया, मीन्स नंबर आपको कौन सा मिलेगा, इरेशनल नंबर। अगर मैंने जब रेशनल और इरेशनल की डिफाइन बताई थी, अच्छे से उसको बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको ये। अब चलते हैं यहाँ पर, 2 × π, पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। अगर कभी भी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कौन सा मिलेगा आपका, इरेशनल नंबर। तो ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। बहुत इजी है, देखिए एक मिनट भी नहीं लगा, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2।